Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Maha Vakarbek and you are watching Versatile Dr. Maha. And before I proceed, I would just like to give you a healthy reminder again that do subscribe to my channel. Yes, subscribing my channel will definitely affect your health in a good way. And share it with many people so that spread the awareness together. And do give it a big thumbs up so that I would know that you guys truly liked it. So that was it, and today my video is going to be a little different because I'm going to speak in Hindi today because a lot of people requested me to make some videos in Hindi because people relate it very easily. So my video would be in Hindi, but I would sum it up in the end in English as well. So all those who do not understand Hindi, they can watch the last 5 minutes of the video. And the topic which I'm going to talk about today is Meenaki and how does Meenaki affect our height. So let's get to it. तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बात करेंगे आज मीनार्की के बारे में। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि मीनार्की है क्या? तो मीनार्की हम कहते हैं पीरियड को, जब पहली बार किसी लड़की को अपनी लाइफ में पीरियड होता है या उसका महीना शुरू होता है, जिसको जैसे कहते हैं हिंदी में कि पहली बार किसी को मासिक धर्म शुरू होता है जिस लड़की को, तो उस पहली बार पीरियड होने को हम मीनार्की कहते हैं। तो पीरियड्स जो होना होता है, आई थिंक एक बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग होती है और बहुत अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है एक लड़की की लाइफ में। और इसको मैं इसीलिए आज ये बात कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों को हो सकता है कि बहुत मेरे साथ वाले जो भी गर्ल्स होंगी या और भी गर्ल्स, हो सकता है घर में इस बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करी जाती हो और ऑल ऑफ अ सडन लड़की देखती है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्या है, और फिर शर्म हया जो आती है थोड़ी सी कि झिझक के कैसे किसी से बात करें इस बारे में, मम्मी से पहले दोस्तों से बात करें। तो इस बारे में मैं अभी बोलना चाहूंगी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों से जब वो उसके पीरियड शुरू होने से पहले ही उसको बताएं कि हर एक लड़की की लाइफ में एक ऐसे पीरियड शुरू होते हैं, मासिक धर्म आता है, हर महीने आता है और इसमें कोई गलत नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है ये कोई अगर किसी जिस मतलब कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं लड़कियों जिनके लाइफ में पीरियड्स नहीं आ पाते हैं और वो बहुत मतलब खैर उसके भी इलाज हैं, लेकिन जिन लोगों के लाइफ में पीरियड्स आता है वो बहुत ही हेल्दी और अच्छी बात कहलाई जाती है। तो इस चीज़ को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, हर एक लड़की को याद होना चाहिए कि अच्छा ये मेरा फर्स्ट पीरियड था। और अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा अच्छा मेरा फर्स्ट पीरियड हो गया एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये बात हो गई पीरियड्स की और कैसे हमारी फैमिली में इसको बहुत ओपन होना चाहिए और इस चीज़ को अच्छा माना जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स की एज क्या होती है, किस उम्र पर आना चाहिए। तो यूजली जिस एज पर वो आता है हमारा, अगर हम एक एवरेज एज हम लेते हैं 8 से लेके 15-16 साल तक की एज में कभी भी लड़की को पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, उसका लाइफ का पहला पीरियड हो सकता है इस एज के दौरान। 8 साल से पहले अगर किसी को पीरियड स्टार्ट होता है तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, और अगर 16 साल के बाद किसी को पहली बार पीरियड होता है तो उसको हम डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यूजुअली क्या होता था हम लोगों की मम्मी लोगों की एज में, एक जनरेशन अगर पहले देखा जाए तो एवरेज जो पीरियड की जो एज होती थी वो होती थी 12 से 13 साल की एज के बीच में। अब क्या हो रहा है, आपकी जो जनरेशन है वो 9 से 11 साल की एज में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स को। तो इसमें मैं कहूंगी कि कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं घबरा जाते हैं कि अरे हमारे बच्चे को पीरियड इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गया, और बहुत सारी लड़कियां भी नहीं अवेयर होती हैं क्योंकि पेरेंट्स ने अवेयर नहीं किया होता है बच्चों को। तो ये जो एज है ये पीरियड की बिल्कुल ठीक एज है, अगर 9 या 8 साल पे भी हो रहा है, 8 साल से पहले का मैंने जैसे कि बताया प्रिकॉशियस होता है। और इसकी कोई वजह ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान है या कुछ कोई बीमारी की वजह से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात ये है कि अब पीरियड्स हम लोगों के थोड़े पहले इसलिए होने लग गए हैं बिकॉज चेंज इन लाइफ स्टाइल, सब लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, डाइट चेंज हो गई है, इस वजह से पीरियड की एज थोड़ी इस जनरेशन की गर्ल्स में थोड़ा पहले हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया मीनार्की के बारे में कि जिंदगी में जब पहली बार किसी लड़की को पीरियड होता है तो उसको मीनार्की कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब किसी लेडी के लाइफ में पीरियड खत्म हो जाता है उसको कहते हैं मेनोपॉज, वो यूजुअली 45 से लेके 50 के बीच में हो जाता है खत्म। तो जो मीनार्की और मेनोपॉज इनके इस दौरान जो एक लेडी का लाइफ जो होता है वो उसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। तो उस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव होती है।
तो ये हो गई बात। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टॉपिक जो है आज का वो कैसे पीरियड्स का हाइट पे क्या असर होता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के और बच्चियों के खुद भी कंसर्न्स होते हैं गर्ल्स के कि अब तो मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए तो अब क्या मेरी हाइट बढ़ नहीं जाएगी, या फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्ची की हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक किसी फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं 9 साल की उम्र पे, तो उस 9 साल की बच्ची की हाइट ज्यादा से ज्यादा 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होगी, या उससे अच्छी हाइट के पेरेंट्स है तो और अच्छी होगी। बट अगर किसी बच्ची को 9 ईयर्स ऑफ एज पे पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि लाइफ लॉन्ग वो बच्ची 150 सेंटीमीटर की ही रह जाएगी। तो दिस इज अ मिथ। हाइट बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, अगर जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, अगर उसकी जीन्स अच्छी हैं, पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, तो यूजुअली देखा जाता है बच्चे की हाइट अच्छी होती है। अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक फैक्टर्स, जो बच्चे की डाइट है, डाइट और उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उन सब पर भी हाइट डिपेंडेंट होती है। तो पीरियड से इसका कोई लेना देना नहीं है, लड़की को पीरियड हो जाते हैं उसके बाद भी उसकी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी हैं, उसका डाइट अच्छा है, तो उसकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि हाइट बढ़ेगी अगर डाइट अच्छी है, और इसका ये जब मैंने कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिन पेरेंट्स की हाइट अच्छी नहीं है उन लड़कियों की या बॉयज गर्ल्स किसी की भी हाइट बढ़ेगी ही नहीं। ऐसे एग्जांपल्स हैं, मेरे खुद की जानने वाले हैं जिनके पेरेंट्स दोनों की हाइट नहीं अच्छी है बट उनके बच्चों की हाइट अच्छी है। तो इट ऑल डिपेंड्स यू नो कि कैसे आप अपने डाइट को अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा करें, जंक फूड से दूर रहें, तो डेफिनेटली हाइट का ग्रोथ होगा। और अब जब मैंने ये सब बोला तो यहाँ पे मैं आपको मैसेज ये दूंगी कि जब किसी भी लड़की के लाइफ में पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उन बच्चियों को खुद से पहले नहीं होना चाहिए, बहुत सारी लड़कियों को, क्योंकि घर में सब लोग सुनते आते हैं कि लड़कियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए पीरियड्स में, या क्या अचार के पास नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या बहुत लोग बातें बनाते हैं कि बाहर खेल नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, तो इस बारे में मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। और इन सब बातों से आप कहेंगे तो बच्चों की एक्टिविटी, लड़कियों की एक्टिविटी में फिर रोक टोक लग जाती है कि कैसे फिर वो खेलती नहीं है ज्यादा, फिर उनको लगता है कि ज्यादा इधर किचन विचन में मत जाओ या ये मत करो, तो वो सब भी चीजें असर डालती हैं। तो ये सब पीरियड्स वगैरह कोई बहुत ही इतना हवा जहां बना होता है बिल्कुल गलत है, और इनफैक्ट पीरियड्स होना बहुत ही हेल्दी होने की निशानी है, एक अच्छी बॉडी और हेल्दी लड़की की निशानी है कि उसको अच्छे से पीरियड्स आते हैं। तो इस बात के लोगों को, पेरेंट्स को खुशी मनानी चाहिए कि हमारे बच्चे को जो पीरियड्स आ रहे हैं वो अच्छी बात है, वो हेल्दी चीज़ है, और इन सब चीज़ों पर रोक टोक लगाना बिल्कुल गलत चीज़ है। तो ये मेरा सबके लिए मैसेज है, सबसे सेक्स एजुकेशन इन सब बारे में गर्ल्स बॉयज सबको पता होना चाहिए, और कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हमारी सोसाइटी धीरे धीरे तरक्की कर सकती है, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं और इसमें शर्म हया होने की कोई जरूरत, कोई सेंस नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरा वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों में ऐसे अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि हमें और बात करनी चाहिए, और लड़कियों को पहले से ही अवेयर करना चाहिए कि हाँ इस उम्र पे पीरियड्स होते हैं, ताकि जब लड़की को भी पहली बार पीरियड्स हो तो वो घबराए ना कि क्या हो गया मेरे साथ। तो बस इतना कहना था मुझे, ये मेरा मैसेज था, और आई होप आप लोगों को ये मैसेज पसंद आया हो और आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपके जो सवाल हैं मुझसे जरूर वो सवाल पूछें, ताकि मैं आप लोग सबको वो उसके जवाब दूंगी। और आपको जो कोई वीडियो चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हो गया मेरी तरफ से, अब मैं इंग्लिश में बनाऊंगी और इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत शॉर्ट में इसको समराइज कर देती हूँ कि मैं अभी तक क्या कहना चाह रही थी। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू एज टू व्हाट मीनाकी इज। मीनाकी इज दैट व्हेनेवर अ गर्ल एक्सपीरियंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पीरियड्स फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज मीनाकी। एंड मीनाकी इज, यू नो, आई थिंक स्टिल there are families who, you know, are very ashamed of talking about periods. They cannot, a father or a brother, they do not talk to their respectively daughter or sister about it. And even girls, when they experience periods for the first time, they usually, they prefer talking to their friends about it rather than their own parents. So this is because of, you know, a particular makeup of society and people. Now what I'm trying to say here is,
that people should be more aware about it, and menstruation is a good thing. It should be celebrated in a woman's life, and every woman should remember as to when her first period was, because it's, you know, come on, a woman is healthy if she's having her regular periods. So that was that. And apart from that, I was also talking about how does it affect our height. So a lot of people here, they keep talking to me about, you know, my daughter, she had her period and now will her height increase or not? Or the girls themselves, they are very worried about the fact that their height might not increase once they get once they get their periods. So it's nothing of that sort, and it's a misconception and it's a myth. The height of the woman or a girl, it depends on her genes, on her diet, on her physical activities. And if all of that is good, then definitely her height is going to increase. Her genes do play a role. And apart from that, if a girl avoids junk food, taking good food, and or does all her physical activities, then definitely her height is going to increase. And it's a total myth that periods do not let a person increase. The height of a girl, it does increase, and it increases to the age of 18 years. It can increase up to the age of 18 years, and in some cases it is also seen that sometimes it increases after that as well. So one should always be active and then live a healthy lifestyle, which will help in making you a fit and healthy person. So that was it from my side, guys. I hope you guys liked this video, and if you did, then give me a big thumbs up and do share my video as much as possible. And all of those who haven't subscribed to my channel yet, please subscribe. This was the end of my another health video. Hope you guys liked it. I'll see you in another video of mine, and it could be health video, it could be a fun video. I cannot commit whatever it's gonna be. So keep waiting for that, and I'll see you another time. Bye the bye.